नमस्कार। क्रिकेट में इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि टीम इंडिया के स्टार प्लेयर शिखर धवन अब वर्ल्ड कप 2019 से ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं। यानी कि वर्ल्ड कप 2019 में अब शिखर धवन टीम इंडिया के साथ नहीं होंगे और अब वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया के लिए एक भी मैच नहीं खेलने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अच्छी तरह रिकवर करने के बावजूद भी क्यों शिखर धवन वर्ल्ड कप 2019 से बाहर कर दिए गए हैं, और आखिर वो कौन सा खिलाड़ी है जो शिखर धवन को वर्ल्ड कप 2019 ऑफिशियली रिप्लेस करने वाले हैं। उससे पहले इस वीडियो में रखा है 60 लाइक्स का टारगेट, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं शिखर धवन के बारे में। तो शिखर धवन को इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच में पैट कमिंस के शॉट पे डिलीवरी में फिंगर में इंजरी हुई थी, और बाद में जब रिपोर्ट्स निकाले गए तब ये समझ में आया कि शिखर धवन के फिंगर में फ्रैक्चर हुआ है। और उसके बाद टीम इंडिया के मैनेजमेंट के द्वारा यही कहा गया था कि शिखर धवन 3 मैचेस के लिए बाहर हुए हैं, और उसके बाद से कंटिन्यूसली शिखर धवन पर नज़र रखी जा रही थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है शिखर धवन की, उसमें यही कहा गया है कि शिखर धवन को लगभग 1 महीना लगेगा इस इंजरी से बाहर निकलने के लिए, यानी कि वो वर्ल्ड कप 2019 के एक भी मैच नहीं खेल पाते। और इसके वजह से लास्ट में टीम इंडिया के मैनेजमेंट द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि शिखर धवन को वर्ल्ड कप 2019 से बाहर कर दिया जाए। अगर रिप्लेसमेंट की बात करें तो जब पता चला था कि शिखर धवन का फिंगर फ्रैक्चर हो चुका है, तब ऋषभ पंत को उसी समय एज अ कवर रिप्लेसमेंट टीम में बुला लिया गया था, और उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान टीम इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। और अब शिखर धवन के बाहर होने के बाद ऋषभ पंत ऑफिशियली टीम इंडिया को ज्वाइन करने वाले हैं, और ऋषभ पंत ही होने वाले वो खिलाड़ी जो शिखर धवन को वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड में रिप्लेस करने वाले हैं। और ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए बहुत ही हैंडी बल्लेबाज होने वाले हैं। और अब मेरे ख्याल से ऋषभ पंत के टीम इंडिया में होने के बाद दिनेश कार्तिक की जो परेशानी वो बढ़ सकती है, और दिनेश कार्तिक के पास जो आउटसाइड चांस था कि वो किसी मैच में टीम इंडिया के लिए खेल ले वर्ल्ड कप 2019 में, अब उसके आसार भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर ऋषभ पंत की बात करें, ऋषभ पंत बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, जब उनका वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड में नाम नहीं आया था तो सबको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन अब उन्होंने फाइनली ऑफिशियली टीम इंडिया को ज्वाइन कर लिया है। तो ये तो थी एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट जहाँ पर टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी हो चुके बाहर, और एक और स्टार खिलाड़ी ने टीम इंडिया को ज्वाइन कर लिया है। सो विद दिस सेट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से दबा ले। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।